टाइम की तरह इस बार भी मैं चाकू से ही पोर्ट्रेट की स्केचिंग उसको मतलब हल्के हाथ से आपको ब्लेंड कर कि जहाँ पे हमें हाईलाइट ऐड करना है फिर वो उतना लाइट हो, थोड़ा सा अब अपने शेप्स को मैं रिफाइन करने की कोशिश कर रही हूँ। अक्सर स्टार्टिंग फेज में ये गलतियाँ करते हैं कि हम अपने एजेस को बहुत ज़्यादा शार्प कर लेते हैं। Hey, hello friends, welcome back to my YouTube channel. So, how are you all? I hope you all are doing good and doing a lot of practices, right? So, last time की तरह इस बार भी मैं चाकू से ही पोर्ट्रेट की स्केचिंग करने वाली हूँ। लास्ट वन मंथ से मैं पोर्ट्रेट के ही ऊपर काम कर रही हूँ, उसको पोर्ट्रेट को किस तरीके से ड्रॉ करना है बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बिगनर लेवल पे मैंने सारी चीज़ों को ऑलरेडी शेयर किया हुआ है कि पोर्ट्रेट को किस तरीके से ड्रॉ करना है, उसमें शेडिंग किस तरीके से करनी है, उसमें लाइट एंड शेडो इन सारी चीज़ों की स्टडी किस तरीके से करनी है, और मतलब बेसिक फंडामेंटल की सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता रखी है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाकर देख लें, ठीक है। और चाकू से लास्ट टाइम चाकू पोर्ट्रेट की स्केचिंग करी थी तो आज भी मैं उसी के ऊपर वर्क करने वाली हूँ। सेम प्रोसेस जो मैंने पिछले बार शेयर किया था उसी प्रोसेस के थ्रू आज भी मैं करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि किस तरीके से हमें अपने सब्जेक्ट को टू वैल्यू में सिंप्लीफाई करना है, तो उसी प्रोसेस को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैंने लाइट के डायरेक्शन को देखा और उसको टू वैल्यू में अपने सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा मैंने टिश्यू पेपर के थ्रू ब्लेंड भी कर लिया, ठीक है। और ध्यान रहे जब भी आप ब्लेंड करें तो उसको बहुत ज़्यादा ब्लेंड ना करें, इसको मतलब हल्के हाथ से आपको ब्लेंड करना है ताकि आपकी ड्राइंग नहीं ख़राब हो और जो आपको ब्लेंड करना है वो ब्लेंड भी हो जाए और आपकी ड्राइंग ना हिले, ठीक है। और फिर एक और प्रॉब्लम आती है जब हम बहुत ज़्यादा इसको ब्लेंड कर लेते हैं ना, बहुत मतलब सारे पूरे एरिया में बिल्कुल प्रेशर ज़्यादा अप्लाई कर करके ब्लेंड इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं तो क्या होता है कि जहाँ पे हमें हाईलाइट ऐड करना है फिर वो उतना लाइट हो नहीं पाता है ना। तो आपको बहुत ही ज़्यादा हल्के हाथों से ब्लेंड करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड लेयर में अप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ पे भी मैं अपनी ड्राइंग पार्ट को ही देख रही हूँ, लाइट के डायरेक्शन को देखते हुए जो डार्क और लाइट शेप्स हैं उनको मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। फीचर्स अभी नहीं ड्रॉ कर रही हूँ और फीचर्स बहुत बाद में करेंगे जब हमें लगेगा कि सारी चीज़ों की प्लेसमेंट सही जगह पर हो गई है, डार्क और लाइट की प्लेसमेंट है वो सही जगह पर हो गई है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता रखी है कि किस तरीके से हम पोर्ट्रेट को ड्रॉ करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में वैल्यू मतलब क्या होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। फेस को किस तरीके से ड्रॉ करना है और उसमें लुमिस हेड किस तरीके से अप्लाई करना है और क्यों करना है, ठीक है। ब्लॉक इन मेथड से हम पोर्ट्रेट को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं और ब्लॉक इन मेथड जब हम करते हैं तो भी हमें लुमिस क्यों सीखना है, इन सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है। क्योंकि अगर उस चीज़ को अगर आपने नहीं स्टडी करी है तो आप पोर्ट्रेट बनाने में हो सकता है कि कोइंसिडेंसली आपका पोर्ट्रेट एक दो अच्छा हो जाए लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाएगा कि हाँ जो आप पोर्ट्रेट आज बनाने वाले हो वो अच्छा ही बनेगा, है ना, या फिर वो सही ही बनेगा, है ना। ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो आपको अपना फंडामेंटल के ऊपर काम करना होगा और पोर्ट्रेट को किस तरीके से ड्रॉ करना है जो प्रॉपर प्रोसेस होता है उसको आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप देख लें एक बार अगर आपने नहीं देखी है तो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा अब अपने शेप्स को मैं रिफ़ाइन करने की कोशिश कर रही हूँ, बट अभी भी मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रही हूँ, मतलब डिटेलिंग तो कर ही नहीं रही हूँ, थोड़ा सा मैं उसी को और ज़्यादा थोड़ा रिफ़ाइन करने की कोशिश कर रही हूँ जो शेप्स मैंने डाले थे, ठीक है। और साथ साथ में मैं थोड़ा बैकग्राउंड के ऊपर भी वर्क कर रही हूँ। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है बहुत ही ज़्यादा, हम अक्सर स्टार्टिंग फेज में ये गलतियाँ करते हैं कि हम अपने एजेस को बहुत ज़्यादा शार्प कर देते हैं, तो उस वजह से क्या होता है ना कि चाहे हम कितनी भी ज़्यादा अपने सब्जेक्ट
पे रियलिस्टिक लेवल की शेडिंग ऐड कर दें, लेकिन उसके बाद भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो फ्लैट ही दिखता है, क्योंकि हमने अपने एजेस को बहुत ज़्यादा शार्प कर दिया है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जो भी हमारे एजेस होते हैं, नेचुरल फॉर्म जो भी होता है हमारा, उसके एजेस इतने शार्प नहीं होते हैं, तो वो एक 3D फॉर्म है ना, 3D है वो, जैसे पेपर से हम देख रहे हैं तो वो ऑलरेडी 2D में कन्वर्ट हो चुकी है, या फिर अगर हम पिक्चर से देखते हैं, जैसे मोबाइल से अगर कोई रेफरेंस उठाकर अगर हम देख रहे हैं तो वो ऑलरेडी 2D में कन्वर्ट हो चुकी है, देख रहे हैं, तो वो छोटा छोटा जो ट्रांजिशन होता है, जो एजेस के ऊपर जो ट्रांजिशन होते हैं वो क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। लेकिन जब हम ये अपने माइंड में ऑलरेडी बिठा कर रखेंगे कि जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो एक 3D सब्जेक्ट है हमारा, तो हमारे माइंड में ऑलरेडी रहता है कि हाँ, ये इसके जो एजेस हैं उसमें भी ट्रांजिशन हो रहा है, वो एक 3D है, वो अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो उसमें भी लाइट जब पड़ेगा तो उसका जो रूल है लाइट के फॉल होने का, वो वहाँ पे भी वही चीज़ें अप्लाई होंगी। तो उसी तरीके से आपको एजेस में भी ट्रांजिशन लेते हुए आपको रखना है, मतलब बहुत ज़्यादा शार्प नहीं करना है, उसमें भी आपको ट्रांजिशन दिखाना है, मतलब एजेस को थोड़ा सॉफ्ट रखना है, बैकग्राउंड से मिलाते हुए चलना है, ठीक है।
सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का लेसन अच्छा लगा हो, आज का मेरा वर्क अच्छा लगा हो। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको इसी तरीके से चारकोल की और भी वीडियोस चाहिए होंगे तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और मैं जल्दी ही चारकोल की एक पोर्ट्रेट वर्कशॉप करने वाली हूँ, तो आप इंटरेस्टेड हैं तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो आप मैं इसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे और आने वाले जो भी ट्यूटोरियल वीडियोस हैं वो भी मिलती रहे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करना, ताकि ये और लोगों तक भी पहुँच पाए, ठीक है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।